दोस्तों नमस्कार। पानी पूरी के लिए जो रगड़ा तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करना है, आप चाहे घर के लिए बनाओ या दुकान के लिए, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। हमने एक एक पॉइंट को बराबर आसानी से आपको समझाया है, आप बहुत ही सरल तरीके से बना पाएंगे। ज़रूर ट्राई करें, पानी पूरी के लिए हो, रगड़ा पूरी के लिए हो, मसाला बेल के लिए हो या फिर समोसा चाट के लिए हो, इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर ये बर्तन है, इसके अंदर हमने रात भर, ये देखिए सफ़ेद वाले जो वटाने होते हैं ना, सफ़ेद मटर इसको बोलते हैं, चने भी बोलते हैं सफ़ेद चने, ये रात भर हमने भिगो के रखा है। अब हम इनको उबालेंगे, तो उबाल रात भर भिगोने से क्या होता है ना, एकदम बढ़िया नरम हो जाते हैं, कड़क नहीं रहते हैं और इसका अच्छा रगड़ा बनता है। तो अभी इनको हम साफ पानी में धो के ले लेते हैं दो तीन बार। तो ये जो मटर हमने लिए है दोस्तों, ये 1 किलो मटर हैं और यहाँ उबलने के लिए रख दिया है। इसके साथ में हम कुछ और ऐड कर रहे हैं, ये यहाँ पर आलू लिए हैं, आलू को हम कटिंग करके वटानों के साथ में उबलने के लिए डाल देंगे। बड़ा टुकड़ा जो है लिया हमने अदरक का, इसको भी कटिंग करके आलू के साथ ही उबलने के लिए डाल देंगे। तो ये आलू और अदरक को भी कटिंग कर दिया है हमने। अब हम इसके अंदर दो मसाले ऐड करेंगे, एक तो नमक और हल्दी पाउडर आएगा इसमें, और अब हम इस रगड़े को लगभग बढ़िया उबलने के लिए इसको रख देते हैं स्टोव पर। तो हम स्टोव पर रख दिया है, स्टोव की फ्लेम को हम फास्ट करते हैं और अच्छी तरीके से उबलने तक इसको उबालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सफ़ेद मटर और जो आलू हमने रखे थे उबालने के लिए, बढ़िया तरीके से उबल गए हैं, पूरा पानी सोख गया देखिए, और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं ये देखिए। चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं इसका रगड़ा। तो रगड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। यहाँ पर हमने रख दिया है बड़ा वाला तवा, ये देखिए जो पाव भाजी के लिए वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो वाला बड़ा तवा, इस तवे के ऊपर हम बनाएंगे रगड़ा। अब दोस्तों सबसे पहले हम तवे के ऊपर तेल ऐड कर देते हैं, रिफाइंड ऑयल। तेल गरम आ गया, सबसे पहले जीरा डाल देते हैं, जीरा को थोड़ा भून लेते हैं बढ़िया। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज, तो प्याज हमने भरपूर लिया है क्वांटिटी में। प्याज को बढ़िया ब्राउन कलर होने तक भूनना है। तो प्याज देखिए बढ़िया भून लिए हैं। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे टमाटर, और इसको भी हम थोड़ा भून लेते हैं बढ़िया। मसाला अगर सही ढंग से पकेगा ना, तो फिर रगड़ा बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। अब दोस्तों मसाला ऐड कर देते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो हम अपने देसी हिसाब से ये धनिया पाउडर ऐड हो गया, थोड़ा गरम मसाला, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार अपने नमक, और ये आमचूर पाउडर। सभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा स्पाइसी रखने के लिए हम मिर्ची और ऐड कर देते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से मसाले पूरे मिक्स हो गए हैं, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दोस्तों जो हमने मटर वगैरह लिए हैं उबाल कर, वो सब। तो अभी ये रगड़ा पूरा ऐड कर देते हैं।
इसको बढ़िया मसाले के अंदर पहले मिक्स कर लेते हैं हम, फिर इसको हम थोड़ा मैच करेंगे ताकि ये थोड़े जो मटर हैं बारीक हो जाएंगे। इसके अंदर हमने आलू पहले ही डाल दिए थे, आलू और अदरक, जिससे इसका स्वाद और डबल हो जाता है। अब यहाँ पर ये मैचेस लिया हमने, इससे हम इसको इस तरीके से बारीक कर देंगे। अब हम दोस्तों इसके अंदर जो पानी पूरी के लिए जो पानी तैयार किया है वो ऐड करेंगे। और स्टोव की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि ये जो रगड़ा हमारा तैयार हो रहा है वो धीरे धीरे पकता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने और नॉर्मल पानी जो ऐड कर दिया है, और अभी हम ये जो रगड़ा है दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही पकता जाएगा। और लगभग रगड़ा जो पूरा है बन चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। आपके पास अनार का दाना है तो वो भी डाल देना। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा चम्मच के ऊपर लेके, ये देखिए रगड़ा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों होता है रगड़े का भी ये बनाने का तरीका। तो दोस्तों देखिए रगड़ा बढ़िया एकदम मस्त गर्मा गर्म तैयार है। और तो देखिए यहाँ पर हमने और नॉर्मल पानी जो ऐड कर दिया है, और अभी हम ये जो रगड़ा है दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही पकता जाएगा। और लगभग रगड़ा जो पूरा है बन चुका है, और अब हम पानी पूरी जो है फटाफट से आपको बनाकर तैयार करके दिखाते हैं। साथ ही में यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। आपके पास अनार का दाना है तो वो भी डाल देना। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा चम्मच के ऊपर लेके, ये देखिए रगड़ा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों होता है रगड़े का भी ये बनाने का तरीका। बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज़ के तरीके से बनाए जाते हैं रगड़े, लेकिन हमने हमारा तरीका आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और आप बना ट्राई करें। 100% आपकी जो रेसिपी है वो हमारे तरीके से परफेक्ट बनेगी, ये हमें इतना भरोसा है, क्योंकि हम रेगुलर बनाते आते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।